गुड आफ्टरनून, कैसे हैं दोस्त। मैंने कहा आपको फटाफट खबर दे देनी चाहिए क्रिकेट से जुड़ी, क्योंकि देखो क्रिकेट का खबर आपको पता चलेगा तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो अभी कई सारे न्यूज़ हैं जो आपको फटाफट एक एक करके हम बता देते हैं। पहले तो रिलेटेड है उससे श्रीलंका दौरे से, जिसकि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी 5 T20 मैच खेलने के लिए। तो उसके लिए अब हमारे जो मलिंगा साहब हैं उनकी टीम में वापसी हो गई है। लेकिन ये ऐसा मैं सोचे कि आपको खेलने के लिए वापसी हुई है, वो एक स्पेशलिस्ट बॉलिंग कोच के रूप में श्रीलंका टीम से जुड़े हैं, ताकि श्रीलंका के बॉलरों को अच्छी कोचिंग मिल सके, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया पे जीत हासिल कर सके। और दूसरी बड़ी खबर है ये है, ICC ने ODI रैंकिंग जारी किया है। अगर ODI रैंकिंग बात करें तो उसमें विराट कोहली, जो कि अभी सभी लोग बैटिंग पे उनके सवाल उठा रहे थे, उसके बावजूद भी वो दूसरे नंबर पे हैं। और वहीं हमारे भारतीय टीम के अब रहे कप्तान, जो कि हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका का दौरा मिस किया था, जिसके वजह से उनके अंक में कुछ सुधार नहीं हुआ है बैटिंग अंक में, लेकिन वो भी अभी तीसरे नंबर पर बने हुए हैं ODI रैंकिंग में। और नंबर वन की बात करें तो हमारे बाबर आजम हैं, जो कि ODI रैंकिंग में इस टाइम अच्छे प्रदर्शन से अपने बैटिंग से अच्छा खेल दिखाए थे पिछले कुछ सीजन में, कुछ साल में, जिसके वजह से उनको नंबर वन का ताज मिला है। वहीं क्विंटन डिकॉक, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब इंडिया के खिलाफ मैच हो रहा था तो उन्होंने 122 या 123 रन की पारी खेली थी, तो उसकी वजह से उनको भी टॉप 5 में पहुँचने का मौका मिला है। तो ये सब बड़ी खबर थे जो मैंने कहा आपको फटाफट बता देनी चाहिए। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि विराट कोहली पे बहुत ज़्यादा ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि बैटिंग उनका अच्छा नहीं है या कुछ भी, उनका कैप्टनसी अच्छा नहीं है। लेकिन देखो, आप सिर्फ एक प्लेयर पे लगातार आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं कई दिनों से देख रहा था कि विराट कोहली पे लगातार ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी बैटिंग सही नहीं है, बैटिंग यार शतक नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैटिंग नहीं सही है। अगर आप उनकी बैटिंग एवरेज को देखो तो लगभग वो 50-60, 50-60, 45-50 तो हमेशा लगभग बनाते ही रहते हैं लगभग हर सीरीज में। तो ऐसे आप नहीं जज कर सकते कि उनकी बैटिंग ख़राब है। हाँ, शतक का क्या है, अब वो बड़े मैच के प्लेयर है, वो शतक लगाते थे तो थोड़ा फैंस को दुख हो रहा है कि शतक नहीं आ रहे, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि उनकी बैटिंग ख़राब हो चुकी है। तो बस ये सब बड़ी खबर थी, फटाफट मैंने कहा आपको दे देनी चाहिए। और ऐसे लेटेस्ट खबर पाने के लिए आप फटाफट हमारे चैनल खेल अड्डा स्पोर्ट अपडेट को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास ये सारी जितनी भी नई खबर हैं आपके पास तुरंत पहुँचते रहें। धन्यवाद।